Myself, Harishankar Meghwal, lecturer textile design, Government Women Polytechnic College, Udaipur. आज के लेक्चर में हम साटिन और सटिन वीव के बीच में डिफरेंस को देखेंगे कि साटिन और सटिन वीव में मुख्य क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं. पहला, साटिन जो वीव होती है वो वार्प फेस होती है. इस पर वार्प के फ्लॉट्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं. और जो सटिन वीव होती है वो वेफ्ट फेस वीव होती है. वेफ्ट फेस होता है, इसमें जो फ्लॉट्स होते हैं वो वेफ्ट के ज्यादा होते हैं. दूसरा, साटिन वीव में एंड्स पर इंच ज्यादा रखा जाता है, जबकि सटिन वीव में पिक्स पर इंच ज्यादा रखा जाता है. साटिन फैब्रिक में को जो बनाते हैं तब उत्तम क्वालिटी का वार्प यार्न उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ वार्प की डेंसिटी ज्यादा रखी जाती है, जिससे धागे टूटने का चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए उत्तम क्वालिटी का उपयोग करते हैं. सटिन वीव में वेफ्ट का यार्न उत्तम क्वालिटी का लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेफ्ट की जो डेंसिटी होती है वो वार्प की डेंसिटी से ज्यादा होती है. नेक्स्ट पॉइंट चौथा, साटिन फैब्रिक में टूटे हुए वार्प के धागे सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि वार्प की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो जब साटिन वीव का वीविंग हो रही होती है तब इसके धागे टूटते हैं. टूटने की वजह से इनको जब जोड़ते हैं तो ये टूटे हुए हिस्से सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि सटिन फैब्रिक में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है. उसमें जो टूटे हुए धागे वो सरफेस पे नहीं दिखाई देते हैं. साटिन फैब्रिक जो बनता है उसकी वीविंग कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें पिक्स पर इंच कम होता है, पिक की डेंसिटी होती है जो कम रखी जाती है, जिससे वीविंग कॉस्ट कम हो जाती है. जबकि सटिन वीव से बना फैब्रिक जो होता है उसकी वीविंग कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें वेफ्ट की डेंसिटी होती है जो ज्यादा रखी जाती है. जितने अधिक पिक्स होंगे उतनी अधिक फैब्रिक की क्वालिटी हो जाएगी, जो फैब्रिक की कॉस्ट होगी. इसलिए साटिन फैब्रिक होता है जो महंगा होता है बनिस्पत साटिन वीव के. साटिन वीव जो होता है उसके अंदर वार्प ब्रेकेज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शेडिंग के समय जितनी बार ये रबिंग करेंगे उतनी बार ये वार्प के धागे टूटेंगे, जबकि सटिन वीव के अंदर वार्प के धागे नहीं टूटते हैं. इसमें ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि वार्प ब्रेकेज ज्यादा है, क्योंकि इसमें पिक्स पर इंच ज्यादा रखा जाता है बनिस्पत के वार्प के. सातवां पॉइंट, चूंकि इसमें साटिन वीव के अंदर हम ईपीआई ज्यादा रखते हैं, तो शेडिंग के समय वार्प के धागे आपस में रबिंग करते हैं. रबिंग करने की वजह से यार्न की सरफेस और फैब्रिक की सरफेस पर हैरीनेस आ जाती है, जो कि आपको साटिन फैब्रिक के ऊपर दिखाई देती है. हैरीनेस आ जाने की वजह से जब फैब्रिक के ऊपर पीलिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इस वजह से इसमें फैब्रिक डिफेक्ट दिखाई देता है. जबकि सटिन वीव में ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इसमें वार्प की डेंसिटी कम रखी जाती है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और उच्च क्वालिटी का फैब्रिक बनता है. और नेक्स्ट पॉइंट आता है साटिन फैब्रिक की जो श्रिंकेज होता है साटिन फैब्रिक के अंदर, वार्प और वेफ्ट श्रिंकेज. जो वार्प का जो श्रिंकेज होता है जब मशीन से इसको उतारते हैं तो वार्प श्रिंकेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर पिक्स पर इंच कम रखा जाता है, उस वजह से इसमें श्रिंकेज वार्प के अंदर ज्यादा आता है, वेफ्ट के अंदर कम. लेकिन जस्ट इसका अपोजिट इधर होता है, क्योंकि वेफ्ट की डेंसिटी इसमें ज्यादा है और साटिन के अंदर वार्प श्रिंकेज बहुत कम होता है, इसलिए जो क्वालिटी जो फैब्रिक होता है साटिन का वो बहुत अच्छा बनता है बनिस्पत. इसलिए जो गारमेंट बनाते हैं, जो फैब्रिक फैब्रिक से गारमेंट बनाना होता है, वो साटिन के बजाय सटिन फैब्रिक को ज्यादा काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें लश्चर अच्छा होता है, शाइनिंग होती है और इसमें ब्रेकेज भी नहीं होते हैं. इसकी क्वालिटी
साटिन से बहुत अच्छा होता है, कि इस पे कोई पीलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, कोई फॉल्ट्स वगैरह डिफेक्ट्स वगैरह बहुत कम होते हैं। थैंक यू।